नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। बॉडी पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास के संदेश फैलाने के लिए जानी जाने वाली इंडो कनाडाई टिकटॉकर मेघा ठाकुर का पिछले सप्ताह अचानक निधन हो गया। उसके माता पिता ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में यह जानकारी दी। टिकटॉक पर 93,000 फॉलोवर्स वाली ब्रैम्पटन स्थित मेघा ठाकुर का पिछले सप्ताह 21 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जब मेघा ठाकुर सिर्फ 1 साल की थी, तभी उनके माता पिता कनाडा चले गए। उसने 2019 में मेफील्ड सेकेंडरी स्कूल में अपनी शिक्षा पूरी की और उच्च शिक्षा के लिए वेस्टर्न यूनिवर्सिटी चली गई। मेघा ठाकुर अपने वीडियो में बॉडी पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के तरीकों पर बात करती थी। मूल रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर की निवासी मेघा ठाकुर हाल में कनाडा के ओंटारियो के ब्रैम्पटन में रहती थी। मेघा के माता पिता ने इंस्टाग्राम पर दुखद खबर साझा करते हुए लिखा, भारी मन से हम इस दुखद खबर की घोषणा कर रहे हैं। हमारी दयालु देखभाल करने वाली और सुंदर बेटी मेघा ठाकुर 24 नवंबर 2022 को तड़के अचानक गुजर गई। मेघा एक आत्मविश्वासी और स्वतंत्र युवती थी। वह अपने प्रशंसकों से प्यार करती थी और चाहती थी कि आप उसके निधन के बारे में जानें। इस समय हम मेघा के लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आपके विचार और प्रार्थनाएं उसकी आगे की यात्रा में उसके साथ रहेंगी। अभी तक उसकी मौत का कारण सामने नहीं आया। मंगलवार को उसकी याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मेघा करीब 101,000 फॉलोवर्स के साथ इंस्टाग्राम पर भी सक्रिय थी। 18 नवंबर को पोस्ट किए गए उसके आखिरी टिकटॉक वीडियो का कैप्शन था, आप अपने भाग्य के प्रभारी हैं, इसे याद रखें। मेघा ने 2019 में टिकटॉक वीडियो बनाना शुरू किया। उसके पहले वीडियो को लगभग 3,000 लाइक्स और 60,000 व्यूज मिले थे। इस वीडियो में मेघा ने एक ग्रे और बेज रंग का मिनी ड्रेस, सफ़ेद सैंडल और डार्क सनग्लासेस पहना था और न्यूयॉर्क की सड़कों पर चल रही थी। उसने मेफील्ड सेकेंडरी स्कूल से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। मेघा की मौत की खबर उनके फैंस के लिए दुखद है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।